Por eso, ¿no? अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्बीता, कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सोना होना मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूं गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया है तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। नमुगा ते बिन्ने मदले इन्ने कोंडो ले चलियो इले रेंडे रे मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। वो काला चश्मा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया? अरे बाथरूम लोग नीले रावट ले दो, इनका कल जोड़े खंड दोस्त होंगे। मामा अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा ऑलरेडी कल जोड़े ना नहीं नोड ली ब्रो, बोल ली उड़को हमें ना नोड देने। सो मुझे मामा क्यों बना रहे आज? अरे छेले दो तो माथा खराब हो गया, एक जन से एक प्रश्न करछे पर एक जन से एक ही प्रश्न करछे। आपने ये सनग्लास तो कोथाओ देखेछेन? ना ना इल्ला कंडिल्ल बार बार फोन क्यों करता है? ओ अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं, कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला, जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, Stay home, stay safe. इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है, हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।